दो पांच मिनट वेट करो, दो पांच मिनट वेट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। दो मिनट वेट करने बोला है बस मैंने, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अरे यार तुम लोग क्या आदमी हो, मैंने पूछ लिया तुम लोगों से कि तुम लोगों से, अरे क्या इतना चीज रेड चुप रहो, मैंने तुम लोगों से पूछ लिया कि कहाँ कोई जूम या यूट्यूब पे, तो ठीक है कुछ लोगों ने जूम बोला कुछ लोगों ने यूट्यूब बोला, मैं वो मैसेज करके सर प्लीज 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 जूम पे चलो, प्लीज 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 जूम पे लो, तो भाई क्या इतना प्लीज 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 मतलब क्या, मतलब जूम पे ले लो यूट्यूब पे ले लो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्लीज 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 लगा के रखे हो, क्या डेटा ही खत्म होता होगा ना और कुछ सुनना होता होगा। यूट्यूब के फैंस जूम पे, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि अरे बंद करो ना ये अपना जोरोविल किलॉल पिक्का, वही ना क्लास लेने से मतलब है, कहीं पे भी ले। रुको दो मिनट, 11:40 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ मुझे पता है जूम पे डेटा कम लगता है, अरे मैं जूम पे इसलिए बोल रहा था क्योंकि आज क्या बहुत सारा लिखाना है, ठीक है तो बोर्ड पे लिखने में क्या बहुत टाइम लगेगा, तो ठीक है ऐसे तो बोर्ड पे ही लिखते हैं हर साल, बोर्ड पे ही लिख लेता हूँ अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है देखो आज के लेक्चर के बाद तुम लोग अच्छा खासा, एक सेकेंड, हाँ आज के लेक्चर के बाद क्या तुम लोग अच्छा खासा लिमिट सीख जाओगे, ठीक है और हाँ नहीं नहीं पैर वैर दर्द नहीं दे रहे मैंने तो, और तुम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लेवल पे आ जाओगे, ठीक है ना। तुम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो देख ही लिया है, ऐसे कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो देख, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़े बहुत तो डेवलप हो गए होंगे, जैसे स्टैंडर्ड लिमिट तुम सोच के देखो स्टैंडर्ड लिमिट का कब इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट सवाल को छोटा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन एक्स है तो उसको एक से डिवाइड करके मल्टीप्लाई वगैरह करके ये सब निपटा सकते हैं, ठीक है।
और क्या था, हाँ, और एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल तो अपने हर जगह ही करते हैं, ठीक है। दूसरा, तुम लोगों को मैंने वो वाले कल ये कन्वर्जन सिखाए जिसमें स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में नहीं है, जैसे एक्स टेंड्स टू जीरो के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से एक्स टेंड्स टू जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज इनफाइनाइट लिमिट देखेंगे। अरे बंद करो, तुम लोग अपना बकवास करना, देखो उधर चुपचाप। ठीक है, अभी अभी हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगे तुम्हारे से, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखना, हेडिंग डालो इनफाइनाइट लिमिट्स, ठीक है। इनफाइनाइट लिमिट एक्सप्लेन करने के पहले मैं तुम लोगों को कुछ रिजल्ट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, जो हम लोगों को लगातार यूज करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट लिमिट ऑब्वियसली एक्स टेंड्स टू जीरो था, इसमें एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी ऐसा कुछ होगा। तो पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी 1/x, ठीक है। इस टाइप से मैं बहुत सारे रिजल्ट्स लिख के दूंगा जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ये लिमिट के सवाल इनफाइनाइट वाले ऐसे नहीं दिखते, दिखते वो अलग है, लेकिन हम लोग पहले ये सीख लेते तभी हम लोग वो सारी चीजें समझ में आएगी। तो मुझे बताओ 1/इनफिनिटी क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, हां जीरो होगा, ठीक है। बस एक चीज सुन लो, हम लोग उसको जीरो नहीं बोलेंगे, देखो जीरो की तरफ तो जा ही रहा है, ऑब्वियसली जीरो है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, जीरो की तरफ पॉजिटिव साइड से जा रहा है कि नेगेटिव साइड से जा रहा है। 1/इनफिनिटी जीरो से थोड़ा सा बड़ी वाली वैल्यू आएगी कि जीरो से थोड़ी सी छोटी, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं आएगा, मैं पूछ रहा हूँ जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा कि जीरो से थोड़ा सा छोटा आएगा, ऑब्वियसली जीरो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो ये वाली आदत रखना, जब भी एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी होगा तो याद रखना वो जीरो पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी सवाल आया बहुत बार, तुम सोचो अगर मॉड होता तो हम लोगों को पॉजिटिव से ओपन करना पड़ता, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जितने भी मेरे को करवाने हैं वो मैं पूरे लाइन से लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके पूरे साथ में एक्सप्लेन करूंगा, तभी समझ में आएगा। तो पहले सारे सवाल लिख लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी 1/x2, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, लिख लो पहले तुम भी लाइन से, लिखते जाओ। किसी का भी प्रूफ का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही मुंह से ही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई भी खास कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बता रहा हूँ, सब लास्ट में लिखा दूंगा, यहाँ जहाँ डिफाइन करने की जरूरत है वो मैं एंड में कर रहा हूँ, डिफाइन करके लिख लो पहले। बिल्कुल उसी कॉन्स्टेंट है, क्या हो गया यार, लड़का तो कॉन्स्टेंट ही होता है।
ठीक है, हो जाए तो डन लिखना। सारे सवाल लिखे हुए हो जाए तो डन लिखना। अरे हो गया तो डन लिखो, जल्दी जल्दी करो, पास बंद करो। समझ लो कि ये आज का लेक्चर और एक और लेक्चर पढ़ने के बाद तुम लोगों को है ना, फिर सारे जितने भी लिमिट के टाइप्स हमने पढ़े हैं वो सब क्लब करके एक साथ कराने वाला हूँ। तो एक दो लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेंगे, मतलब समझ लो तुम 60% वगैरह कल तक कवर हो जाएगा। बोलो हो गया क्या लिखा हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो सुनो अभी देखें, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। देखो ये सारी चीजें मैं तुमको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन पहले हम लोग जो जो चीजें जहां तक हम लोग यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दिखता है, तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ तुमको। जहां पर ग्राफ लगेगा वहां से ग्राफ से बेटर समझ में आएगा, वहां ग्राफ दिखेगा। ठीक है, ये क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी रहता है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 से बड़ा, 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट बड़ा, जाता वो 0 की तरफ ही आना चाहिए, 0 ही, लेकिन हमने अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 0 पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि हमको ये रिजल्ट अप्लाई करना है दूसरी जगह। x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, बोलो जरा। हां माइनस 0, माइनस 0 मींस 0 नेगेटिव, ठीक है ना। 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होगा ही, उसमें और माइनस साइन है, तो 0 की तरफ नेगेटिव साइन है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1 अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, तो इस 0 पॉजिटिव। क्लियर है ये चार? ठीक है, हाँ अब हम यहाँ पे आते हैं, x टेंड्स टू इनफिनिटी c, तुम बोलोगे सर c क्या है? तो c क्या है? c कांस्टेंट है, c कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो तुम कौन बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 2, यहाँ पे 2 लिखा है, तो x जब इनफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 2 किसकी तरफ जा रहा है, तो 2 y किसकी तरफ जाएगा? 2 में कोई x तो है नहीं, तो 2 तो 2 की ही तरफ जाएगा। ठीक है, 0 की बोल रहे हो, नहीं तो 0 की बोल रहे हो, c ही तो आएगा। अब तुम इसको ऐसे समझो जिनको नहीं समझ में आया। देखो अगर कोई मुझे y is equal to c line बनाने बोलेगा, तो मैं ये y is equal to c line या y is equal to 2 line पे मुझे बनाने बोलेगा, तो मैं ऐसे बनाता हूं, याद होगा horizontal line बनती है। तो अब तुम सोच के देखो, इसमें जब x infinity की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है? y 2 की तरफ से जा रहा है, 2 ही आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे x infinity की तरफ, x minus infinity की तरफ जा रहा है, तो c किसकी तरफ जा रहा है? ऑब्वियसली वो भी सी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे आ गए, ये बोलो इसका क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x, जब x इनफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये x किसकी तरफ जाएगा? बोलो
इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। हाँ इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी बताने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव ही होता है। मैं नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी बोलूंगा ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। तो देखो हम लोग को याद होगा लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए फाइनाइट, तभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसको इनफाइनाइट बोलना इनफाइनाइट बोलो, जिसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलना डज नॉट एग्जिस्ट बोलो, जिसको नॉट डिफाइंड बोलना है नॉट डिफाइंड बोलो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सिमिलरली ठीक है। पर मैं लिख देता हूं यहां माइनस इंफिनिटी आएगा, यहां भी इंफिनिटी आएगा और यहां भी इंफिनिटी आएगा, ठीक है, क्लियर है, नोट करो ये, समझ में आ गया तो ठीक है। इनमें से कोई भी डाउट है तो मुझे पट से बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर बोलो, अगर नहीं डाउट है तो मैं हटा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन नंबर बोलो, 1 से लेकर 10 तक के बीच में। हो गया, बड़े आगे हटाता हूं ये, एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे 5, 6, 7, 2 क्या है तुम लोग, एक नंबर के 7, ठीक है, पहले 7 दिख रहा है, 7 एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, पूरा फिर से कर देता हूं, मतलब बचा ही क्या, फिर 7, 8, 9, 1, 1, 9, 10 पता नहीं क्या है, सब तो हो ही गया, ठीक है। क्या मतलब क्या डाउट है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये x किसकी तरफ जाएगा, तो x जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये x क्या पे इंफिनिटी रख दो ना, इंफिनिटी की तरफ तो जाएगा। ग्राफिकली देखो ये फंक्शन क्या है, y is equal to x की बात कर रहा है, y is equal to x में कैसे बनती है, ऐसी बनती है जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, ये भी लिख नहीं रहा है तो वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये लिखा है ये कौन से y is equal to x है, जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए, देखो x जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, वो भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे नीचे वही क्या माइनस इंफिनिटी, ये क्या है x स्क्वायर, y is equal to x स्क्वायर, तो मैं सोच रहा हूं यार इंफिनिटी रखोगे तो क्या है, इंफिनिटी का स्क्वायर डस नॉट एग्जिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लोगों को बताया था ना मैंने, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHR RHL सेम होना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, है ना, तो फाइनाइट थोड़ी ना आना है तो does not exist भी लिख सकते हैं, बाकी कायदे से not defined ही लिखना चाहिए, ठीक है, not defined मतलब exist नहीं कर रहा है इसलिए not defined लिख रहा है। हाँ, 8 and 10 भी DNA भी लिख सकते हैं, ND भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, तो बोला सब सेम लिख सकते हैं, ये भी DNA, ND, DNA, ND, DNA, ND सब लिख सकते हो, ठीक है। अबे चुप रहो भाई, पहले ये तो बता दे क्या निकालने का आंसर बता रहे, चल आगे, y is equal to x square, यहाँ infinity रखोगे तो infinity का square is infinity, तो infinity लिखा है, ठीक है। या मैं ग्राफ बना लेता हूँ, x square का ग्राफ कैसा बनता है, x square का ग्राफ हम लोगों को सबको पता होना चाहिए ऐसा बनता है, फिजिक्स में इतनी बार बताया है, इवन मैथ्स में क्वाड्रेटिक है यार, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तुम लोगों को पता ही कैसे बनाना है। अब तुम यहाँ देखो x जब infinity की तरफ जा रहा है तो x infinity की तरफ जा रहा है, y किसी तरफ जा रहा है, y भी तो बड़ा 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 होता जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, वही लिखा है। जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या रहता है, प्लस इन्फिनिटी रहता है, वही लिखा है, ठीक है। तो तुम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफिकली देखो, x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किधर जा रहा है, y देखो फिर इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, यही बात पता है बस, ग्राफिकली हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ जाना चाहिए यार, एक बार में ये सब तो सारे आंसर्स खुद ही देने हैं तुम लोगों को, ये सब याद थोड़ा करने बैठेंगे, वैल्यू तो पुट करनी थी उसको, लिमिट तो ना सॉल्व किया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन लोगों को डाउट था, रोशन अबे तुम लोग, हाँ यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जिसे जिसे जवाब सवाल पूछूंगा वही जवाब दो, ठीक है। जय जय मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, 11 कि आंसर बताओ पहले तो, सही है कि गलत है फिर देखेंगे कैसे आया वो। जय बताओ, जय त्रिवेदी, इसका आंसर क्या आएगा, अरे बस तुम एक्स को इंफिनिटी मार रख के देख लो ना यार, और क्या करना है, ये इंफिनिटी उठाने यार रखो और देखो क्या क्या सोच के देखो ना, ई की पावर इंफिनिटी क्या होगा, हाँ ऑब्वियसली इंफिनिटी होगा, ई की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी कैसे होगा तुम सोच के देखो, ई क्या होता है 2.7 समथिंग होता है, 2.7 की पावर इंफिनिटी निकालना है तुझे, तुम 2.7 छोड़ो, अगर तुम 2 की पावर ही इंफिनिटी निकालोगे तो 2 को अगर इंफिनिट पर मल्टीप्लाई करोगे, अरे 10 बार मल्टीप्लाई करने पे 1024 बन जाता है, तुम सोचो इंफिनिट मल्टीप्लाई करोगे तो इंफिनिट बार में वो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा,
तो भाई है e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। अब इसको ग्राफिकली समझो, ग्राफिकली e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है e की पावर x का ग्राफ ये बनता है। तो अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y किसकी तरफ जाएगा, y भी होगा बड़ा 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 होता जाएगा, तो y भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी की तरफ जाता है। नेक्स्ट संजू मुझे ये एक्सप्लेन करो, तुमने आंसर तो सही दिया है, मुझे ये एक्सप्लेन करो, थोड़ा बहुत कुछ लिख दो जिससे समझ में आ जाए मेरे, ये बात फटाफट बोलो एकदम। संजू बहुत बढ़िया, ठीक है हाँ इसका आंसर आएगा जीरो। उसको पहले तुम देखो ग्राफिकली, तुम लोग सब ठीक है ग्राफिकली जीरो पॉजिटिव लिख देना चाहिए वैसे, ठीक है ग्राफिकली देखो, देखो जब x माइनस इनफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये y किसकी तरफ जा रहा है, y देखो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, धीरे धीरे करके x एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, करता नहीं है टच, तो क्या बन रहा है y, तो एकदम ही जीरो बन रहा है ना, कम होता जा रहा है ना y, तो वही लिखा जीरो पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे समझो, हमको इस बार क्या निकालना है, हमको इस बार निकालना है 2.7 की पावर माइनस इनफिनिटी, अरे मैथमेटिकली समझा रहा हूं जिससे तुमको बेस्ट समझ में आए, 2.7 की पावर माइनस इनफिनिटी दैट इज 1/2.7 की पावर इनफिनिटी, अरे यही लिखते हैं ना, अभी हमने ये देखा कि 2.7 की पावर इनफिनिटी 2 से बड़े 1 से बड़े नंबर की पावर इनफिनिटी निकालेंगे तो इनफिनिटी ही आएगा, अभी हमने किया था, और 1/2 इनफिनिटी हमने अभी देखा था जीरो पॉजिटिव होता है, 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा ना, तो वही लिखा है जीरो पॉजिटिव, ठीक है ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जिससे सवाल पूछो वो जवाब दो, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ए की पावर एक्स को देखना है, ये सब देखो यहाँ से ये पूरा एडवांस के लिए काम आएगा, तो मीन्स वगैरह में भी काम आएगा लेकिन मेजरली एडवांस में इसके ऊपर बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहला सवाल ये है कि देखो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, सब ए की पावर एक्स लिखा है, तो पहली बात तो ये है कि दो केस क्यों बनाना पड़ा, वन से बड़ा और वन से छोटा क्यों बनेगा, ठीक है ए की पावर एक्स में एक को वन से बड़ा और एक को वन से छोटा दो केस बनाया ना, क्यों बनाना पड़ा, इसका जवाब चलो दो रौनक दो, क्या दोगे बताओ, एक केस वन से बड़ा और एक केस वन से छोटा ऐसे बनाना ही क्यों पड़ा, ये हिसाब मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को जवाब ये दो, एक वन से बड़ा और वन से छोटा केस क्यों बनाना पड़ा, अरे हाँ यार कहा दो केस, अरे इसमें देखो ना यहाँ पे लिखा है वन से बड़ा और यहाँ पे लिखा है वन से छोटा, दो में वन से बड़ा दो में वन से छोटा, बिल्कुल एकदम सही बोले, ठीक है इसका जवाब है बोर्ड पे देखो सर, तुम लोगों ने अगर प्लेइंग विद द ग्राफ्स बुक पढ़ा है या फिर मैंने फंक्शन में भी एक्सप्लेन किया था वो सब ध्यान से देखा है तो क्लियर हो जाएगा। देखो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 10 की पावर x, a की पावर x जहां पे a 1 से बड़ा है, इन सबका ग्राफ ऐसा दिखता है, सबका ग्राफ ऐसा दिखता है, याद रखो इसको याद रखो अच्छे से, हाँ और 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, 1/4 की पावर x, डॉट 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 a की पावर x जहां पे एक 1 से 0 के बीच में है, इन सबका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ही सेम लॉग में भी होता है, तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ये सब ये दोनों तुम लोगों को मैं ग्राफ की नोटबुक बनाने बोला था उसमें अगर नोट करना चाहो तो अच्छे से नोट कर, ठीक है हाँ तो ये समझ में आ गया, इसमें ये केस में इंक्रीजिंग होता है, तुम सोच सकते हो पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग होता है क्योंकि तो तुमको ये दिख रहा होगा 1/2 की पावर x जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे घटती जाएगी, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ a की पावर x जहाँ पे a 1 से बड़ा है, तो अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो मुझे दिख रहा है y भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, अरे तुमको ये नहीं समझ में आया तो एक नंबर अज्यूम कर लो ना, a की वैल्यू अज्यूम कर लो e ले लो, अभी हमने किया ही वैल्यू, और a अगर यहाँ पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना है तो देखो माइनस इंफिनिटी की तरफ जैसे जैसे जाओगे ये जीरो की तरफ जाएगा,
ये लिखना है जीरो कॉज है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जीरो और वन के बीच में है, मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, जीरो और वन के बीच में, मतलब समझ रहे हो ना, वन बाई टू ले सकते हैं। तो वन बाई टू, देखो यहाँ पे जब एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वाई किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ जीरो पॉजिटिव, और एक्स जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर है माइनस इंफिनिटी, तो वाई किसकी तरफ जा रहा है, देखो वाई बड़ा बड़ा होता जा रहा है, वाई किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये नहीं समझ में आया, देखो मैं तो हमेशा एग्जाम्पल से सोचता हूँ, तुम भी अगर एग्जाम्पल से सोचोगे तो सही रहेगा। यहाँ पे टू की पावर इंफिनिटी सोचो तुम, यहाँ पे टू की पावर माइनस इंफिनिटी सोचो, टू की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी समझ गए होगे, 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, फिर 1 अपॉन इंफिनिटी, उसको हमने जीरो लिखा अभी जैसे एक्सप्लेन किया था। और यहां पे तुम ऐसे सोचो, a सॉरी यहां पे a 0 और 1 के बीच में, तो कुछ ले 1/2 की पावर इंफिनिटी के तरीके से सोचो, 1/2 की पावर इंफिनिटी उसको बोल सकते हैं 1/2 की पावर इंफिनिटी इज 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या रहता है, सीधे पॉजिटिव बोल लेते हैं। और यहां पे तुम ऐसे सोचो 1 by 2 की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। तो ये चारों को इस तरीके से समझो, अगर समझ में आया नोट करो, नहीं समझ में आया तो पूछो, मैंने देखो ग्राफिकली भी समझाया और एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो समझ लो, बाकी मैं सबको ये बोलूंगा कि ग्राफिकली तो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज को हम ग्राफ में कैसे इंटरप्रेट करते हैं तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम कैलकुलस के क्वेश्चंस बना पाओगे। लिखो, ये कोई डाउट है तो पूछो, जिसको डाउट है वो मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से बोल रहा हूं, हम लोगों को ये सब क्वेश्चंस नहीं है, हम लोगों को ये सब है ना क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। हाँ बहुत बढ़िया सवाल, ये मैं जानते हो गया, हर बार बताता नहीं हूँ, लास्ट ईयर में भी मैंने वीडियो में नहीं बताया, लेकिन चलो अभी किसी ने पूछा है इसलिए मैं इस चीज का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। माइनस टू की पावर एक्स का ग्राफ क्यों नहीं बनता, ठीक है, ये नोट कर लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। लास्ट के चार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रौनक ने जो सवाल पूछा इसका जवाब देने के पहले मैं इन चारों कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट में उसका भी देखते, ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे भी तुम लोगों को याद होगा, अरे ये तो याद होना ही चाहिए यार, ये तो मतलब मैं तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के ना थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम भी तो 6-7 बार तो खुद के सामने से पढ़ा दिया है, बाकी तुम लोगों ने अलग से पूछा होगा वो अलग, 6-7 बार तो मैंने खुद से पढ़ाया और अलग अलग तरीके से पढ़ाया, एक बार रटवाने के हिसाब से पढ़ाया, एक बार समझाने के हिसाब से पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको याद होगा बेस में 1 से पढ़ा और बेस में 1 से छोड़ा, तो बेस में 1 से पढ़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ऐसा कुछ कहीं पर पढ़ा था, और बेस में 1 से छोड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, नहीं नहीं उल्टा बोला ना मैंने, बेस में 1 से पढ़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, और बेस में 1 से छोड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। वो होने का कारण था कि y = log x का बेस a में, अगर a 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, a अगर 1 से छोटा मतलब तो ग्राफ ऐसा बनता है, वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कारण था, तुमको ये याद होना चाहिए, ये सब मैंने फंक्शंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर तुम देखो log x का बेस a, इसमें क्या रखना है इनफाइनाइट, तो x जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा इसमें तो y भी देख लो बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो y भी इंफिनिटी की तरफ जाता है, तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये सब हटा लो, ये तो समझा दिया, लिख लियो हो तुमको, नहीं लिखी हो तो तुम लेक्चर अपना देख सकते हो पीछे, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल तो सोच सकते हो, एग्जाम्पल के लिए तुम a की वैल्यू अज्यूम कर लो, कर लेता हूँ मैं, log x की बेस 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1, 4 रखेंगे तो क्या आएगा 2, 8 रखेंगे तो क्या आएगा 3, जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही log की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो मैं बोल देता हूँ इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। या देखो सोचने का तरीका एकदम गलत है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो सबसे पहले चीज, यहाँ पे x tends to minus infinity नहीं पूछेगा कोई, क्यों नहीं पूछेगा, थोड़ा कॉमन सेंस जवाब दो, यहाँ पे x tends to minus infinity कोई नहीं पूछेगा, पॉजिटिव रखते हैं, वहां ग्राफ ही नहीं है, ये भी सही है, वहां ग्राफ ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती ही नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है सबका, लॉक के अंदर नेगेटिव नहीं रख सकते, सही है,
क्योंकि जीरो के पहले लॉग का ग्राफ नहीं फॉर्म होता क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं रख सकते। ठीक है बढ़िया, सबने सही बोला है। ये भी गलत है, ये भी गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है उसका जवाब दो और क्या गलत है उसमें। बहुत बढ़िया, अरे चुप रहो बे रौनक, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ये भी गलत है, ये गलत क्यों है वो बताओ। मैं x टेंड्स टू 0 भी गलत लिखा है, ये सब चीजें पहचाननी पड़ती है। पता है क्या, बहुत बार गलत लिख के देते हैं और वो चाहते हैं कि तुम बताओ उनको कि वो गलत है। ठीक है हाँ, जीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि देखो जब भी तुमको मैंने बताया कि अगर ए लिख के दे दिया तो तुमको उसके आगे भी करना पड़ता है, उसके पीछे भी चेक करना पड़ता है और दोनों पे वैल्यू सेम आए तो बोलते हैं कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम सोचो इसके पीछे तो चेक ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीरो नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, जो कारण तुमने ऊपर दिया वही कारण है। तो यहाँ पे उसको साफ साफ अच्छे से लिखना चाहिए था कि जीरो पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, ये जीरो पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सिर्फ जीरो लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि फिर जीरो नेगेटिव नहीं देख पाए। तो जीरो पॉजिटिव लिख के दिया, अभी सही है, तुम भी अपने नोटबुक में जीरो पॉजिटिव कर। ठीक है अब इसको देखते हैं। देखो हमको ये चीज पता है कि हम लॉग के अंदर जीरो नहीं रख सकते, वो तो सबको ही पता है कि जीरो नहीं रख सकते। लेकिन बिल्कुल सही बोला है, लॉग के अंदर जीरो नहीं रख सकते लेकिन जीरो से जस्ट बड़ी वाली तो वैल्यू रख ही सकते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि जब लॉग के अंदर जीरो से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू रखोगे तो फिर लॉग की क्या वैल्यू होगी वो बताओ। तो वो ग्राफिकली ही देखना पॉसिबल है, इसलिए वो ग्राफिकली ही देखो। ठीक है देखो, जीरो से जस्ट, ये जीरो है, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये जीरो से जस्ट बड़ी है, इस पे वाई की वैल्यू क्या है देखो एकदम नीचे, क्या है वाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। समझ में आया क्या, ग्राफिकली देखो ना, जीरो पे जस्ट पहले क्या है माइनस इंफिनिटी, या ऐसा बोल सकते जीरो पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है सिमिलरली ये इसका ग्राफ देख लो यहाँ पे, ठीक है जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, नीचे 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 जा रहा है माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे जब x जीरो पॉजिटिव की तरफ है, ये रहा जीरो पॉजिटिव, तो y कहाँ पे है ऊपर है एकदम, क्या होता है ऊपर एकदम इंफिनिटी। ठीक है तो तुमको है ना देखो एक से लेके 16 तक समझने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये 17 से लेकर 20 तक देखने के लिए तुम लोगों को हमेशा ग्राफ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चार लोग टेस्ट वही रहेगा कि तुम लोग रट्टा मारो, क्योंकि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ये बार बार हम लोग करना पड़ेगा, हम लोगों को बार बार इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा तभी जाके, अगर ये देखना सीखोगे तभी जाके फॉर्म डिसाइड कर पाओगे। ठीक है ना कि 0/0 फॉर्म है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है कि कोई वोल्टेज फॉर्म है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इस पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये चार हमको रट्टा मार के रखना है, बाकी तो निकाल सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है वैसे तो ये भी निकाल सकते हो लेकिन रट लो, काहे का क्लास खत्म है, चुप रहो, लिखो फटाफट, क्यों क्लास क्यों खत्म, मतलब क्या है ऐसा जो क्लास खत्म बोल रहे हो। ठीक है अब मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो रौनक पूछ रहा है। ठीक है उसका सवाल का जवाब देखो, अभी तक मैंने बताया नहीं, आज बताता हूं, वैसे तो वो एडवांस में हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देता हूं। ठीक है चलो देखो, हाँ बिल्कुल अब वो तो तुमको समझ में आना चाहिए ना, तो ये क्या है फंक्शन है, y is equal to function of x, तो ये फंक्शन है तो y है भाई, ये y में देखेंगे। हाँ देखो देखो इसकी बात करता हूं मैं, y is equal to x की पावर x, देखना रौनक ने क्या सवाल पूछा रहा, ये a की पावर x में a1 से बड़ा होगा, a1 से छोटा होगा, a1 से बड़ा होगा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, नेगेटिव क्यों नहीं बात कर रहा, नेगेटिव के बारे में। ठीक है तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नेगेटिव के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। अब देखो ये जो है इस यहां से सब समझ में आएगा, y is equal to x की पावर x। ठीक है इसमें अगर कोई मुझसे इसका डोमेन पूछेगा, इसका डोमेन पूछेगा तो इसका डोमेन क्या होगा पता है, ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहां पर नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते। तुम बोलोगे क्यों नहीं रख सकते, रख देता हूं मैं, देखो डिफाइन होगा -2 की पावर -2, क्या प्रॉब्लम है इसमें, होता तो है -2 की पावर -2 क्या लिख सकते हैं सोच के देखो, 1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4, 1/4 लिख तो सकते हैं, देखो ना -2 रखने पे आया ना कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हम इसका डोमेन बोलते हैं कि हम इसे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। क्यों क्यों मैं आप तुमको दूसरे वे में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है फिर इस पे भी एक्सप्लेन करूंगा, देखो एक चीज सोचिए, देखो log x to the base 2
इसमें हमने बोला था कि x को सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हो, है ना, x को सिर्फ पॉजिटिव रखने वाला था। तुमको ऐसे लिख देता हूं, log is equal to y लिख देता हूं, तो एक फार्मूला भी याद होना चाहिए तुमको। x is equal to 2 की पावर y, है ना, एक फार्मूला याद रखो। एक सेकंड, तुम लोग क्या बोल रहे हो देख नहीं रहा हूं मैं, पहले ये देख लो, x is equal to 2 की पावर, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। अब अगर यहां पे मैं x को ऐसे कैसे बताता हूं, ऐसे देख लो, यहां पे 2k लिखता हूं, यहां पे माइनस 2 लिखता हूं, ठीक है, नेगेटिव जबरदस्ती का डिफाइन कर दिया मैंने, लॉग में नेगेटिव नहीं रख सकते, लेकिन मैंने रखा नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम कैसे समझो कि अगर तुम यहां पे x is equal to, अगर तुम यहां पे x की जगह पे माइनस 8 रख दोगे, ठीक है ना, x की जगह पे माइनस 8 रख दोगे, तो क्या बनेगा, log माइनस 8 का बेस माइनस 2 is equal to y, ये बनेगा माइनस 2 की पावर y is equal to माइनस 8, तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ना 3 रखने पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहां माइनस 8 घटा के माइनस 4 रख दोगे, तो y की किसी भी वैल्यू ले वो माइनस 4 नहीं बनने वाला है, 2 मत बोलना, 2 क्यों माइनस 4 नहीं 4 बनेगा। तो देखो कुछ नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड हो गया, लेकिन कुछ नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड नहीं होगा। जैसे तुमने देखा है माइनस 8 के लिए डिफाइंड था, लेकिन माइनस 4 के लिए डिफाइंड नहीं था। तो हम क्या बोलते हैं कि इतना टेंशन से बचना है तो सिंपल से एक काम करो, उसमें नेगेटिव रखो ही मत, क्योंकि नेगेटिव में देखो कुछ कुछ के लिए डिफाइंड होगा, कुछ कुछ के लिए डिफाइंड नहीं होगा। फिर बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस किस के लिए डिफाइंड है, किस किस के लिए डिफाइंड नहीं। सिमिलरली जब तुम प्रोडक्ट जो बोल रहे हो माइनस 2 की पावर x, तुम बोलोगे कि सर मैं तो माइनस 2 की पावर x मेरे को सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व करो, तो इसमें गड़बड़ क्या होगी। तुम सोच के देखो, x को 2 रखोगे तब तो जम जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन x को अगर तुम 1/2 रखोगे तो क्या होगा, माइनस 2 की पावर 1/2 बन जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब तुम बोलोगे ठीक है ना सर, तो क्या प्रॉब्लम है, डिफाइन हो रहा है, जहां जहां डिफाइन होगा वहां डिफाइन कर देंगे, जहां जहां नहीं होगा वहां नहीं कर पाएंगे, वहां हटा देंगे। तो अब देखो जैसे 2 और 1/2 लिखा तब तो बहुत इजीली समझ में आ गया, लेकिन तुम सोच के देखो x is equal to root 2, मतलब माइनस 2 की पावर रूट 2, अब इसके बारे में बताओ तुम नॉट, ये डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, या माइनस 2 की पावर रूट जो x is equal to 1/√2 लिख देते, मतलब माइनस 2 की पावर 1/√2, अब मुझे बताओ रॉनट ये डिफाइंड होगा कि नहीं, ये टर्म डिफाइंड है कि नहीं है रॉनट, इस टर्म की कुछ वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब ये जैसे यहां पे आ गया नॉट डिफाइंड, यहां पे ये था डिफाइंड, तो ये वाला क्या पता, बस यही सबसे सही इसके यही आंसर है, कुछ नहीं पता हमको, इसलिए नहीं पता क्योंकि देखो अगर तुम ये समझ रहे हो ना, ये क्या था, इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन क्यूब रूट कुछ ना कुछ निकल जाएगा क्योंकि ऑड में निकल जाता है। सिमिलरली 1/4 नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 1/5 निकाल लेंगे। अब यहां पर क्या 1/√2 ऑड है कि इवन है, हमको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, अरे ये √2 ऑड है कि इवन है, रूट टू तो इरेशनल नंबर है, वो भी नॉट टर्मिनेटिंग, 1.414 पता नहीं अलग 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 कुछ कुछ बनता है, तो हम इसकी वैल्यू सोच ही नहीं पाएंगे कि ये आने वाली है कि नहीं आने वाली है। इसी के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है ना, उतना झंझट में पड़ने से अच्छा है सीधा यही बोलो कि नेगेटिव रखने का, तो वही क्या वहाँ नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखेंगे, ठीक है, उसको अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन मैंने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया बेस्ट लगता है मेरे को, उसे समझ में आया, तो ये तुमको 20 के 20 समझ में आ जाने चाहिए, और इवन तुमको ये 20 के 20 याद हो जाने चाहिए। अब हम लोग इनफाइनाइट लिमिट स्टार्ट करेंगे, मतलब यही है, यही सब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका पहला सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला सवाल क्या है, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस m, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं a कॉमा d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a और d 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं, लोगों को समझ ही रहा होगा, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करवा रहा हूं तुम्हें, ये जो इनफाइनाइट लिमिट वाले सवाल होते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका सुन लो, ठीक है, मैं तुमको तीन तरीके बता रहा हूं, तीनों के तीन तरीके इस्तेमाल होते हैं अलग अलग सवाल में, तो तुमको सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं, तो जैसे अगर तुम इसमें इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस समथिंग, तो
इनफाइनाइट है ठीक है ना, सब मान लो ए बी सी सब पॉजिटिव, अपॉन इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी इज इनफिनिटी, तो ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है, क्लियर है, तो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो तुम लोगों को मैंने समझाया था, याद है क्या, वो इसकी वैल्यू क्या है, वो इस इनफिनिटी और इस इनफिनिटी पे डिपेंड करेगा ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ जा सकता है, ये देखने के तीन चार तरीके, तो मेथड वन, ये मेथड वन बहुत काम का मेथड ठीक है, ये तुम लोगों को बहुत इनफिनिटी के हार्ड क्वेश्चंस में काम आएगा, इसको मेथड वन पहले देख लो ध्यान से, और इजी मेथड्स भी और भी ठीक है। मेथड वन ये है कि हम लोग है ना इसमें जो ऊपर और नीचे सबसे बड़ा इंफिनिटी होता है, मतलब जो हाईएस्ट सबसे बड़ा इंफिनिटी कौन सा है इसमें, तो स्क्वायर वाला, अरे ये क्या है इंफिनिटी, ये क्या है, ये तो इंफिनिटी का स्क्वायर है, तो ये सबसे बड़ा इंफिनिटी है ठीक है। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पूरा देख लेना, और जो सबसे बड़ा इंफिनिटी दिखे उससे ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करना, उससे क्या होता है देखते हैं, सबसे बड़ा इंफिनिटी क्या है, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा इंफिनिटी है, तो मैं ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ये तरीका तुम फॉलो करोगे ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा देखो ध्यान से, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, डिवाइड करने से होता क्या है ठीक है, ये x स्क्वायर को तीनों में अलग अलग कर रहा हूं, तो क्या आएगा इसके साथ अलग करूंगा, तो a प्लस b बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन d प्लस e बाई एक्स प्लस f अपॉन x स्क्वायर ठीक है, सब नहीं लिखूंगा मैं, ये क्लियर है, अरे डिवाइड करके अलग अलग कर लो ना आ जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। अब तुम सोच के देखो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, अरे ये टर्म क्या हो जाएगा बताओ जरा, अरे समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी किसी चीज को कोई फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कोई फाइनाइट चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा ठीक है, जीरो प्लस प्लस क्या बोल रहे हो, जीरो आएगा ठीक है ना, जीरो जीरो की तरफ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, और ये भी जीरो की तरफ जाएगा, ये चारों जीरो की तरफ जाएंगे ठीक है। तो मिला क्या हमको, ए प्लस जीरो प्लस जीरो इज ए, डी प्लस जीरो अपॉन जीरो इज बी, तो ए बाई डी वैल्यू कुछ मिल गई ठीक है, क्या हुआ इंटरनेट अटक रहा है क्या, अरे अटक रहा है क्या, हाँ अटक रहा है, अब चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ठीक है। हाँ तो एक तो ये तरीका है, मतलब ये है कि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ए अपॉन डी की तरफ जा रहा है, इसको और भी अच्छे समझेंगे अभी डेटा वेटा लेके तो समझ में आ गया ठीक है। इसका मेथड टू, मेथड टू है ना, जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत अच्छा लगता था ठीक है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड लिमिट और एल हॉस्पिटल में बहुत कंफर्टेबल हूं, तो मेरे को स्टैंडर्ड लिमिट वाले सवाल, स्टैंडर्ड लिमिट वाले सवाल मुझे सही लगते हैं ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूं x टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है, तो मुझे x टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस नहीं चलते, मुझे वो टेंड्स टू जीरो वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से चलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं वहां पे रिप्लेस, देखो जिस जो भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट x = 1 / y, मतलब जहां-जहां पे x होगा वहां-वहां पे 1 / y पुट करोगे, उससे फायदा क्या होगा, अरे ये सब्स्टिट्यूशन है, कल भी तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन समझाया था मैंने, ये सब्स्टिट्यूशन से क्या है होगा देखो, इधर x अगर 1 / y है तो y क्या है 1 / x, तो x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 / इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, जीरो पॉजिटिव, अभी हमने देखा था, अरे 1 / इंफिनिटी क्या होता है, जीरो पॉजिटिव होता है। तो तुम क्या करोगे ये वाले सवाल में देखो जहां-जहां में x है वहां-वहां पे y से रिप्लेस करना, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, जीरो पॉजिटिव, और जहां-जहां पे x है वहां पे 1 / y पुट करना, a upon y square plus b upon y plus c upon d upon y square plus c upon y, sorry, e upon y plus f ठीक है। अब मैं यहाँ पे LCM ले रहा हूँ, ध्यान से देखना,
a plus by plus cy square upon y square d plus ey plus fy square upon y square. यहाँ से y square कर दिया, क्या बचा? Limit y times to 0 positive, positive लिखा, a plus by plus cy square upon d plus ey plus fy square. ठीक है, यहाँ पे तुम जैसे ही 0 put करोगे, देखो ना क्या बन गया, 0 a plus 0 plus 0, अरे 0 into anything 0 ही होगा ना, तो ये बन गया a upon d. देखो सेम टू सेम आंसर आ गया. ठीक है, तुम लोग अगर मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखोगे तो मेरी उसमें 0 पॉजिटिव लिखने की आदत नहीं है, मैं उसमें 0 लिख रहा हूं, लेकिन इस साल मैंने सोच लिया था, अभी सोच के आया था कि अब 0 पॉजिटिव ही लिखूंगा. तो तुम लोग भी ये आदत डालो कि ये ज्यादा सही है, 0 भी गलत नहीं है लेकिन 0 पॉजिटिव बेटर है. अरे हां, और क्या, एक ही तो बात है, मैं कब ना बोल रहा, लिखने के तरीके अलग-अलग है, कोई ये वाला अप्लाई करता भी नहीं है अगर ये वाला अच्छे से सीख गया तो, इसलिए मैं बोला तुम हर एक मेथड सीखो. ठीक है ना, ये समझ आ गया ना? ये देखो ना, बस x को वन अपन जो भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन होंगे, अगर कभी अटक जाओ, मतलब तुम लोग मेरे से आके कभी डाउट पूछोगे कि सर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं बोलूंगा भाई x को वन अपन y से रिप्लेस कर ले, बन जाएगा अगर सही से बन रहा है तो. ये वाला मेथड भी हम यूज करेंगे, करना पड़ेगा. चल, हो गया, बकवास हो गया. नेक्स्ट देखो, मेथड 3, लास्ट मेथड, एल हॉस्पिटल रूल. ठीक है, तुम लोगों को मैंने बताया था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं और 0 बाय 0 फॉर्म में भी इनफाइनाइट सॉरी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी लगता है और 0 बाय 0 फॉर्म में भी लगता है. तो आज तुम लोग यहां पे कुछ एक चीज बस नहीं सीखोगे, बाकी तुम लोग एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, जानते हो लगाते हैं एल हॉस्पिटल, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. देखो इसमें एक चीज सीखेंगे आज, 2ax plus b plus 0, 2dx plus e, अरे डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाला अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाला अलग डिफरेंशिएट. ठीक है, अब यहां पे देखो हम लोग आज क्या नई चीज सीख रहे हैं, बस देखो यहां पे इंफिनिटी रखने पे ये इनफाइनाइट बना और ये इनफाइनाइट बना, तो फिर से ये अगर कोई सॉल्व होने लायक बनेगी, अभी भी ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही है, तो अगर ये अभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसमें हम फिर से हॉस्पिटल लगा रहे हैं, दोबारा लॉस ऑफ रूल लगाया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 2ax का डिफरेंशिएशन 2a, b का 0, 2dx का डिफरेंशिएशन 2d, e का 0, और ये 2 2 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई a by d. समझ में आया क्या? तो यहां से एक चीज समझ में आना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएट मत बोलो, एक्चुअली हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल में ऊपर अलग डिफरेंशिएट नीचे अलग डिफरेंशिएट करता है. ठीक है, तो एक्चुअली हम एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगा सकते हैं जब तक 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा. जैसे यहां पे था लगाया, जो आया उसमें फिर से बन रहा, फिर लगाया, फिर कुछ आया, फिर क्या, समझ में आया ना? तब तक लगा सकते हैं जब तक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है. लिखो इसको अच्छे से, हो जाए तो डाल लिखो, सारे मेथड्स लिखे हुए हो जाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं उसको, मेंस में आया हुआ सवाल है. ठीक
ठीक है स्टार्ट करो। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। इसमें एन को वन अपॉन वाई से रिप्लेस करोगे तो फंस जाओगे, इसमें सबसे बड़ा इंफिनिटी ढूंढोगे तो जम जाएगा उससे, तो पर वो भी मत करो। मैं तो बोलूंगा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कुछ कॉमन ले सकते हो ऊपर से तो कॉमन ले। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? फैक्टोरियल से कॉमन कॉमन लेना सिखाया तुम लोगों को, बताओ ना क्या कॉमन आएगा दोनों में से? इसको तुम एल हॉस्पिटल से भी नहीं कर सकते हो, कभी कभी लगता है ना अपनी भगवान है, एल हॉस्पिटल से नहीं होगा ये, क्योंकि फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन नहीं होता। एन प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन आएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? एन प्लस टू प्लस यहाँ क्या बचेगा? वन अपॉन एन प्लस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत बढ़िया था, सही है एकदम, ये कट गया। यहाँ क्या बचा? एन प्लस थ्री एन प्लस टू, हाँ ओम सही है एकदम, ठीक है। ये क्या एन प्लस थ्री कट गया, बचा क्या? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एन प्लस टू, ठीक है, वन अपॉन इंफिनिटी जीरो, वन अपॉन इंफिनिटी जीरो तरफ, जीरो की तरफ जाएगा। बढ़िया है यार, पूरे दिन क्या तुम लोग क्या मीम्स ही देखते रहते क्या? चलो ठीक है, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी फाइव की पावर एन प्लस फाइव की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री की पावर एन माइनस टू की पावर टू एन अपॉन फाइव की पावर एन प्लस टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर टू एन प्लस थ्री, ठीक है। मैं तुम लोगों को है ना पहले ही बार में सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम लोग फिर लिमिट के क्वेश्चन जब करो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जैसे अपने इसके बारे में एक बार देखते हैं, सुनना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर तुम देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, फाइव की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, थ्री की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, टू की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। अब तुम सोचो यहाँ पे अगर n को 1 अपॉन y से रिप्लेस करोगे सब्स्टिट्यूट वाला काम, तो पावर में जाएगा 1 अपॉन y, इसका क्या ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही वाला कोशिश करते हैं अप्रोच लगाने का, तो सबसे बड़ा इंफिनिटी है उससे डिवाइड करने का प्लान करते हैं। तो जैसे इसको अगर स्प्लिट करके लिखोगे तो लिखा है 5 की पावर n * 5, ये लिखा है 3 की पावर, ये क्या लिखा है 2 की पावर 2, इसको अच्छे से लिखता हूं 4 की पावर, ये क्या लिखा है 5 की पावर, ये क्या लिखा है 2 की पावर, और ये क्या लिखा है 3 की पावर 2n * 3 की पावर 3, 3 की पावर 2n मतलब 9 की पावर है, ठीक है, और 3 की पावर 3 मतलब 27 * 27। अब तुम अगर इसमें सबसे बड़ा इंफिनिटी देखोगे तो मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा इंफिनिटी कौन सा है, पहले मेरे को सॉल्व करते हुए देखो उसके बाद पूछना। हाँ, इसमें सबसे बड़ा इंफिनिटी कौन सा है? 5 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी, 3 की पावर इंफिनिटी सब इंफिनिटी, तो सबसे बड़ा इंफिनिटी कौन सा है? नाइन की पावर है, ठीक है, नाइन की पावर है सबसे बड़ा इंफिनिटी है। नाइन की पावर है तो 27 भी बोल सकते हो, नाइन की पावर है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट वाला टर्म है, इसलिए सिर्फ इतना ही होता है, उसका कोएफिशिएंट क्या लेके करते हैं, जैसे हमने उस समय x स्क्वायर से डिवाइड किया था, ax स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया था, तो 9 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करते हैं 5 * 5 / 9 की पावर, एक बार में लिख दे रहा हूं क्या बन रहा है, प्लस 3 / 9 की पावर n प्लस माइनस 4 / 9 की पावर n अपॉन 5 / 9 की पावर n प्लस 2 / 9 की पावर n माइनस प्लस 27, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तुम सोचो यहां पर और इसका जवाब भी दो,
5/9 की पावर इंफिनिटी क्या होगा और क्यों होगा, जो भी होगा क्यों होगा ये भी बताना, साथ में दो आंसर देना। 5/9 की पावर इंफिनिटी इसकी वैल्यू क्या है, अरे देखना पड़ेगा ना वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो। और उसका कारण क्या है, नहीं रौनक 1/27 नहीं आएगा, ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। 5/9 की पावर इंफिनिटी जीरो, जीरो का होने का कारण क्या है, क्योंकि ये वन से छोटा है, वन से छोटे की पावर इंफिनिटी अभी तुमको बताया था, वन से छोटे की पावर इंफिनिटी इज जीरो, तो ये भी जीरो की तरफ जाएगा, 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 जीरो अपॉन 27 इज जीरो, ये लिमिट किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ये है इसका ठीक है। लिखो, ये मैंने तुमको तीन टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। सिर्फ ये तीन टाइप के सवाल नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं इनफाइनाइट में, लेकिन तुम ये तीन टाइप सीख जाओगे तो बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चार पांच सवाल देता हूं, दो मिनट दो मुझे, करो तुम लोग चार पांच सवाल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, देखो ये मेंस में आया हुआ सवाल दे रहा करो। चल एक बार ये करो, मैं समझाता हूं, एक बार ये करो, एलसीएम लो, ऊपर कुछ बनेगा बनाओ, सिंपलीफाई करो, जो जो बताया ढंग से सॉल्व करो, किसी का आया तो आंसर बताओ। बढ़िया, ठीक है। इसको तुम एलसीएम ले लो, सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, n स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, सबको ऊपर वाले को जोड़ोगे तो ये आएगा n n प्लस 1/2 n स्क्वायर, याद होना चाहिए ये तो, अगर ये याद नहीं है तो फिर पता नहीं क्या याद है। रोशन सही तो बोल रहा है, आंसर बोल बोल रहा है, समझा n n कर दिया, यहां से क्या है लिमिट टेंड्स टू इनफिनिटी n प्लस 1 अपॉन 2 n, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बस ये याद रखो 1 से छोटी की पावर इनफिनिटी 0 होता है, ठीक है। ये इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन गया। अब वो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में तुम्हारे पास तीन तरीके हैं, पहला तरीका 1/2 आएगा बोलो, ठीक है। हां ये इसको करने के तीन तरीके, एल हॉस्पिटल लगा लो, नहीं तो सबसे बड़ा इनफिनिटी क्या है, n है सबसे बड़ा इनफिनिटी, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर लो, या एक और तरीका है इनको 1 / y से रिप्लेस करो, सीधे से n को दोनों में डाल दो, 1 + 1 / n / 2 से डिवाइड कर दिया, ये डायरेक्ट आ गया, काम खत्म, ठीक है। एक और सवाल देता हूं, करो। देखो तुमको ये सवाल टू सवाल है ना, अपना अप्रोच थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं, पर्टिकुलर अप्रोच अगर देखेंगे तो तीन पर्टिकुलर अप्रोच है, उसमें से एक कौन सा लगाना है वो तुमको सवाल देख के सोचना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो लो ये सवाल है, इसमें तुम खुद सोच के देखो कि तुम क्या लगाओगे, तुमको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ये पाई है, ठीक है, ऊपर वाला पाई है, ये नीचे वाला एन है, ये भी एन है, ठीक है।
ये भी मीन्स का ही सवाल है। करो खुद से करो पहले, नहीं बनता है तो मैं तो हूं। फाइव बाई फोर, बहुत बढ़िया। ठीक है देखो, इसको सबसे पहले है ना, मेरे को साइन कॉस दिखते ही एक चीज समझ जाता है कि यार वो साइन एक्स बाई एक्स वाला लग गया ना तो काम हो जाएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट तभी लगा सकते हैं जब वो उस फॉर्म में। तो मैं एन को बनाऊंगा वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ, एन टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वाई टेंड्स टू क्या है, जीरो पॉजिटिव। ये सब बताया अभी, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जहां जहां पे एन है वहां वहां पे वन अपॉन वाई पुट करना। क्या बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें। देखो यहां पे वन अपॉन वाई करने से काम होगा जल्दी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब साइन को गायब करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे देखो ना साइन जीरो बन रहा है, तो ये पाई वाई वाई फोर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया मैंने पाई वाई वाई फोर, ये चीज बन गई वन। ये y y कट गया, अब इसमें 0 रखो, cos 0 1 pi by 4 बचा, वैल्यू रखो pi। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा करके तुम लोग सीख ही गए हो। ठीक है, हो गया, आज के लिए काफी है, इतना ही रखते हैं आज। अब मैं शीट भेज सकता हूं, तो आज तुमको शीट मिल जाएगी, उसमें मैं तुमको 30-40 सवाल दूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं Zoom सेशन ही लूंगा, क्योंकि अपने को वो शीट डिस्कस करनी है। तो ठीक है, ये सब हो गया। बाकी एक चीज बता देता हूँ, क्या बताना था कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम लोगों की आज की कल वो देख रहा हूं बस, हाँ तो तुम लोगों की कल है ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फ्लैश एरो में कल स्वप्निल सर की 3-4 डाउट क्लास है। ठीक है, हाँ सही बोले संजू, बहुत बढ़िया, सही उससे भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वेडनेसडे को 3-4 तुम लोग की स्वप्निल सर की डाउट क्लास है। जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो डाउट सेशन में आना, स्वप्निल सर जूम पे रहेंगे और डाउट पूछ लेना। मैं भी रहता हूँ, दोनों रहते हैं हम लोग, पर स्वप्निल सर का नाम लिखा है, तुम लोग रहना वो डाउट पूछ लेना। बाकी जो कुछ अगर डाउट हो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ITF की शीट का भी करता हूँ मैं, वही तुम लोग शीट के एक बार डाउट स्वप्निल सर से पूछ लेना। बाकी मैं शीट डिस्कशन कल जूम पे देखता हूँ, कल ITF की शीट लेके आना, जिसको जो डाउट हो वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है।